2021 दोस्तों अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है और इतने टाइप पे ढेर सारे स्मार्टफोन लॉन्चेस हम लोग देख लिए। अभी तक 7 महीने हुआ है और बहुत सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं। एक तरीके से कंपनी भी हम लोगों को पागल ही बना रहा है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और आगे भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम पे और भी बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होना अभी तो बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है और इतने टाइम पे अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो ऐसे में एवरीवन हैज अ डिफरेंट रीजन टू बाय इट। 4G 5G या फिर किसी को 128GB स्टोरेज, 64GB स्टोरेज, 64MP कैमरा या फिर 108MP कैमरा, 6GB रैम, 4GB रैम, 8GB रैम या फिर प्लास्टिक बैग, ग्लास बैग, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रीजन है, अलग अलग रीजन है जिसके वजह से लोग एक स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों अलग अलग लोग अलग अलग स्मार्टफोन बाई करते हैं उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। फॉर सपोज आपका प्रायोरिटी क्या है, आप गेमिंग के लिए या फिर अच्छा कैमरा के लिए या फिर अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो, ये जानना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको जरूर ध्यान में रखना। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप एक रॉन्ग डिसीजन लेने से बच सकोगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और वीडियो को देखने के बाद ये कमेंट जरूर करना कि आप जनरली कौन कौन सी गलतियां करते थे एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले। तो लेकिन उससे पहले एक इंट्रो तो बनता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कुशल और आपको रिजेक्टेड चैनल में स्वागत है। अभी आते सबसे कन्फ्यूजन पॉइंट पे कि आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि एट प्रेजेंट 2021 के इस टाइम पे अगर कोई भी स्मार्टफोन ले तो उसमें 4G फोन ले या फिर 5G फोन ले। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो वो तो लीजिए, लेकिन ये देख के मत लीजिए कि उसमें 5G है। वो देख लीजिए कि आपके बजट सेगमेंट के अंदर बेस्ट फोन कौन सा है और उसमें अगर दोस्तों 5G होता है तो उसको एक एडेड बेनिफिट की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि इंडिया में आने वाले टाइम पे कौन सा 5G बैंड्स आएगा। 5G तो आएगा लेकिन उसमें कौन सा बैंड्स होगा इसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पर भी दोस्तों कंपनी अपने मर्जी से किसी किसी फोन पे कम बैंड्स, किसी किसी फोन पे ज़्यादा बैंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें भी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि अगर आपके फ़ोन में 5G है भी तो उसमें जो बैंड्स है वो अच्छे तरीके से जब 5G लॉन्च हो जाएगा तो वो स्मूथली अच्छे तरीके से काम करेगा या फिर नहीं। कहने का सिंपल सा लॉजिक है कि 5G को देख के फोन मत लीजिए। अगर 5G के साथ साथ उस फोन पे आपको अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा प्रोसेसर मिल रहे तो आप जरूर उस फोन को ले सकते हैं। 5G को एक एडेड बेनिफिट की तरह आप लीजिए। और दोस्तों अगर आपको 5G फोन लेना है तो आप इस साल के एंड तक यानी नवंबर दिसंबर तक वेट कर लीजिए, तभी जाके जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा और तभी जो भी 5G फोन लॉन्च होगा तो उसका जो कंपैटिबिलिटी है वो आपको थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला जो चीज़ है जिसको बहुत सारा लोग नेग्लेक्ट कर देते वो है बिल्ड और डिजाइन को। मतलब यहाँ पे हमको तो पता है कि बिल्ड के अंदर फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक बिल्ड का होता है, ग्लास बिल्ड या फिर मेटल बिल्ड का होता है, लेकिन इसमें इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो है फोन का इनहैंड फीलिंग जो है वो कैसा है। मतलब ये सबसे ज्यादा मैटर करते हैं जिसको बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर देते। मतलब आप फोन को क्या करोगे, दिन भर हाथ में रखोगे ना, और जब आप उसे हाथ में रखोगे तो फोन का इनहैंड फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि वो लाइट वेट का हो, फोन का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो परफेक्ट हो, फोन हाथ में पकड़ने में कंफर्टेबल हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं जिसको अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। और इसके साथ ही फोन इतना ज्यादा बड़ा या फिर बल्कि भी ना हो कि उसको कैरी करने में मुश्किल हो जाए, क्योंकि दोस्तों पास्ट में हम लोग देख चुके हैं कि जैसे पोको X3 या फिर मोटोरोला के जो भी फोन आते हैं वो काफी हेवी वेट का था, मतलब उसका वेट 200 ग्राम के भी ऊपर था। तो यह पे प्रॉब्लम किया जाता है कि फोन का जो स्पेसिफिकेशन वगैरह वो तो आपको काफी सही मिल जाते हैं लेकिन जो इनर फीलिंग है वो काफी बिगड़ गया। इसमें आपको लॉन्ग टर्म के यूजेज में आपको काफी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो यह पे दोस्तों फोन का लाइट वेट होना काफी जरूरी है। अगर फोन का वेट अगर 160 ग्राम से लेकर 195 ग्राम के बीच में रहता है तो वो अगर उसके साथ उसमें अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा परफेक्ट हो तो वो फोन आपको इनहैंड फीलिंग काफी सही महसूस होगा। हालांकि यहाँ पे एक कंडीशन और भी है कि कहीं पे फोन को लाइट वेट करने के चक्कर में फोन का बैटरी वगैरह कहीं पे कम ना करते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लाइट वेट के साथ साथ फोन का जो बाकी सारे स्पेसिफिकेशन है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरास की। तो दोस्तों मुझे कैमरास पे एक चीज जो अच्छा नहीं लगता वो है मेगापिक्सल्स का लड़ाई। जी हाँ, 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, मुझे तो नहीं लगता भाई 108 मेगापिक्सल की कोई भी जरूरत है फिलहाल स्मार्टफोन पे। अगर आप एक या दो साल बाद के वीडियोस में शायद मैं ये कह सकता हूँ कि 108 मेगापिक्सल अभी जरूरत है स्मार्टफोन पे, लेकिन फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ दोस्तों नंबर ऑफ कैमरास की भी लड़ाई है, लाइक ट्रिपल कैमरा सेटअप, क्वाड कैमरा सेटअप। तो कहने का भाई सिंपल सा मतलब ये है कि ना ही मेगापिक्सल ना ही नंबर ऑफ कैमरा ये कोई भी डिसाइड नहीं करता कि आपके फोन का जो पिक्चर क्वालिटी है वो कैसा होगा। लाइक दोस्तों आपने कभी ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी क्वाड कैमरा सेटअप का जो कैमरा है उसमें जो एक्स्ट्रा
4 मेगापिक्सल या फिर 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो लेंस रहता है, आपने कभी क्या उसका यूज़ किया? कोई भी यूज़ नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये एक गिमिक है, मतलब फेक चीज़ है जो कंपनी सिर्फ यूवी प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन असल में उसका कोई भी यूज़ नहीं करता। आपको जो एक्चुअली में जो ध्यान में रखना चाहिए वो है उसका प्राइमरी सेंसर क्या है और अल्ट्रावाइट लेंस जो है वो कैसा है, ये एक्चुअली में आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों ये जो हार्डवेयर की बात है, लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब इमेज खींचने के बाद उसका जो पोस्ट प्रोसेसिंग होता है वो कैसा है, अगर वो जितना बेटर होगा इमेज पिक्चर क्वालिटी आपको उतना अच्छा आपको देखने को मिलेगा। लाइक आपको क्या लगता है कि OnePlus ने ऐसे ही 150 मिलियन दे दिया हैसलब्लैड को सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग और कलर ट्यूनिंग करने के लिए? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सॉफ्टवेयर। तो कहने वाले बात ये कि एक्चुअली फोन का जो इमेजेस है उसको देख के फोन लीजिए, ना ही ये देख के फोन लीजिए कि उसमें कितना मेगापिक्सल आपको दे रहा है या फिर क्या सेंसर मिल रहा है या फिर आपको कितना नंबर ऑफ कैमरास मिल रहा है। नेक्स्ट बिग क्वेश्चन कि IPS LCD डिस्प्ले या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो दोस्तों अगर आप कोई भी फोन खरीदने जाते हो तो यहाँ पे जो डिस्प्ले उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा केयर होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं कि कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे एक बेकार सा डिस्प्ले प्रोवाइड करते थे जो कि जनरली लोगों को पता भी नहीं चलता क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिस्प्ले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप जो फोन खरीदे हो उसमें क्या TFT डिस्प्ले दिया गया है जो कि जनरली 5 से 6 हज़ार के बीच में जो फोन आते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है, या फिर IPS LCD डिस्प्ले है या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो दोस्तों यहाँ पे अगर एक चॉइस आ जाता है कि 120Hz के IPS LCD डिस्प्ले या फिर 60Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो मैं हमेशा एमोलेड डिस्प्ले को ही प्रेफर करूंगा क्योंकि दोस्तों जो एमोलेड डिस्प्ले का जो कलर क्वालिटी है, कलर फिट है या फिर जो ब्राइटनेस है, बैटरी एफिशिएंसी है, वो दैट इज अनमैचेबल, वो आपको IPS LCD डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले इज रियली अमेजिंग। इसके बाद डिस्प्ले में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है रिजोल्यूशन। ये दोस्तों रिजोल्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिजोल्यूशन को सही से सिलेक्ट नहीं करते हो तो फोन पे जो मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है या फिर जो वीडियोस देखने का एक्सपीरियंस है वो आपको खास नहीं लगेगा। अभी तो दोस्तों 10,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको फुल HD प्लस यानी 1080p का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका बजट अगर बहुत ही कम है 5,000 से 6,000 के बीच में तो HD प्लस डिस्प्ले यानी 720p का डिस्प्ले सही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई भी फोन लेते हो 10,000 के ऊपर तो वह पे फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ ही जाना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो फोन का जो डिस्प्ले टाइप है वो क्या है, सुपर एमोलेड है या फिर IPS LCD है या फिर TFT इसमें है या फिर नहीं, और दूसरी तरफ रिजोल्यूशन फुल HD प्लस है या फिर HD प्लस डिस्प्ले है या फिर नहीं। तो यहाँ पे अगर आप 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में कोई ऐसा फोन ले रहे हो जिसमें आपको IPS LCD पैनल के साथ फुल HD डिस्प्ले मिल रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है तो वो आप एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट की तरफ देख सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि यहाँ पे कंपनी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देने के चक्कर में कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह ना करते, कोई और स्पेसिफिकेशन में कुछ कम ना करते, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही बारी आता है रैम, रोम एंड प्रोसेसर की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रैम की। तो ये पे अगर आप कोई भी स्मार्टफोन मार्केट में खरीदने चाहो तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा फोन पे आपको ज्यादा रैम मिल रहा है। तो ये पे अगर आप 15,000 से 20,000 के रेंज पे कोई भी स्मार्टफोन ले रहे हो उसमें अगर आपको 6GB रैम मिल रहा है तो वो काफी सही माना जाता है, लेकिन यही पे अगर आप कोई भी फ्लैगशिप लेवल का फोन ले रहे हो और उसमें अगर आपको 8GB का रैम मिल रहा है तो वो काफी बेटर माना जाता है और वो आपको एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ भी कर देते हैं। और वही पे दोस्तों अगर आप रैम टाइप में भी आपको 2 टाइप के रैम मिल जाते हैं, एक तो LPDDR4X रैम, दूसरा है LPDDR5 रैम। इन दोनों रैम पे प्रैक्टिकली तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बस ये पे एक ही डिफरेंस के ऑन पेपर आपको इन दोनों चीज़ों के स्पीड्स का डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन मेजर डिफरेंस के बारे में अगर कह दो तो इसमें आपको जो LPDDR5 का जो रैम है उसमें लो पावर कंज्यूम होता है LPDDR4X से, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो डिफरेंस ये पे क्रिएट करते हैं वो है रोम यानी इंटरनल स्टोरेज। वह पे हमने देखा है कि EMMC स्टोरेज होता है, UFS स्टोरेज होता है, UMCP स्टोरेज होता है। तो ये पे जो EMMC स्टोरेज है वो काफ़ी स्लो स्टोरेज है दोस्तों, यहाँ पे इसका जो रिटर्न स्पीड है बहुत स्लो होता है। ये जो लो बजट वाला जो स्मार्टफोन होता है जो 5-6 हज़ार के बीच में आते हैं वहाँ पे EMMC स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उससे हाई रेंज में आपको जनरली UFS 2 स्टोरेज देखने को मिलता है जो कि काफ़ी फास्ट होता है। इसके बाद UFS 2.1 उससे भी ज़्यादा फास्ट, UFS 2.2 इससे भी ज़्यादा फास्ट होता है, और इसके बाद आता है UFS 3 स्टोरेज, UFS 3.1 स्टोरेज जिसका रिटर्न स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक फास्ट रैम के साथ एक फास्ट स्टोरेज ले तो यहाँ पे जो फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और फोन भी काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपको रैम के बारे में और भी डिटेल्स में जानना है तो उसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ जो कि आप ऊपर आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैम रोम के साथ जो प्रोसेसर है वो भी यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको अच्छा रैम रोम के साथ एक अच्छा प्रोसेसर मिलते हैं तो वो यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट निकल के देगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि लेटेस्ट प्रोसेसर ही लेने का। अगर दोस्तों आप मैक्स टू मैक्स 6 महीने ओल्ड प्रोसेसर ले रहे हो तो वो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एट प्रेजेंट अगर आप 1 साल पुराना प्रोसेसर ले तो वो एक स्मार्ट चॉइस कभी भी नहीं होगा।
और दोस्तों आपको लेटेस्ट वॉइस के साथ साथ ये भी नोटिस करना है कि जो प्रोसेसर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सपोज स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, ये तो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, लेकिन इसमें आपको हीटिंग इश्यूज वगैरह देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये नोटिस करने वाली बात है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप एक स्टेबल प्रोसेसर लेते हो तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट बना रहता है और उसके लंबे टाइम तक उसका जो सपोर्ट है वो भी अच्छा होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अब के टाइम पर अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना है और उसमें अगर आपको 5G प्रोसेसर मिल रहा है तो आप ऑलवेज 5G प्रोसेसर के साथ ही जाना। बेनिफिट दोस्तों पता है क्या है कि जितना भी 5G प्रोसेसर है ना वो मार्केट में बिल्कुल नया है, फ्रेश है और उसमें आपको नया नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ नया नया फीचर्स और जो परफॉर्मेंस है उसका वो भी बहुत बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जो डायमेंसिटी 700 का जो चिपसेट है वो अंडर 15,000 रेंज में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। उसके साथ स्नैपड्रैगन 480 सीरीज का जितना भी 5G चिपसेट है वो भी बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो अभी के टाइम पे कंपनी जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं वो सारे के सारे 5G प्रोसेसर है। और 5G प्रोसेसर होने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें आपको 5G कनेक्टिविटी की भी जरूरत है। इस 5G प्रोसेसर के साथ साथ आपको जो मतलब परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। उसके साथ नया नया फीचर, नया नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मिल रहा है जो कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको बेनिफिट प्रोवाइड करके देता है। वेल, अगला जो बात है वो है बैटरी। आज के टाइम के स्मार्टफोन पे जितनी भी बैटरी दी जाए उतनी कम है। अगर दोस्तों आप फोन का बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो, हेवी गेम्स खेलते हो, बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट के यूज़ करते हो, वीडियोस देखते हो, चैटिंग करते हो, तो ऐसे में आपके स्मार्टफोन पे आज के टाइम पे कम से कम 5000 mAh का बैटरी होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों आप ये भी ध्यान रखना कि अच्छे बैटरी के साथ साथ आपके फ़ोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे में 5000 mAh के साथ 33W फास्ट चार्जर एक आइडियल केस है। लेकिन यही में अगर आपके स्मार्टफोन पे 6000 mAh का बैटरी दिया गया है लेकिन अगर वो फोन फास्ट चार्जर को सपोर्ट नहीं करता, सपोज 18W या फिर 20W का चार्जर है तो यहाँ पे जो फोन है वो चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सपोज 2.5 से 3 घंटे के बाद टाइम लग सकता है। तो ऐसे में फास्ट चार्जिंग के साथ फोन का अच्छा बैटरी ये होना बहुत ही जरूरी है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। अब ये चीज डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पसंद है। कुछ लोगों को MIUI पसंद है जिसको एड्स और रिकमेंडेशन वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो वो MIUI की तरफ जा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वहां पे कोई जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेबल रहे, उसमें कोई बग्स वगैरह आपको देखने को ना मिले तो ये चीज काफी अच्छी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को स्टॉक एंड्रॉइड पसंद होता है, तो होता क्या है दोस्तों कि कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स की वजह से बहुत सारी चीज मिस्टअप हो जाते हैं, इसलिए आपको बग्स वगैरह देखने को मिलता है MIUI के सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए बहुत सारे लोग स्टॉक एंड्रॉइड लेना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात जो कि मुझे अच्छा लगा कि अभी के टाइम पे सभी ब्रांड्स, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी, शाओमी, वन प्लस, सैमसंग, सभी ब्रांड्स ने अपना जो AI है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर चुका है। स्टॉक एंड्रॉइड तो अच्छा होता ही है लेकिन कमिंग टू द अदर ब्रांड्स दे हैव रियली इंप्रूव्ड अ लॉट। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। बट अदर देन स्टॉक एंड्रॉइड्स बाकी ब्रांड्स की UI में एक ही प्रॉब्लम है कि वो लोग रिकमेंडेशन या फिर एड्स वगैरह देने लगे। भाई हम पैसे इन्वेस्ट करके, इतना पैसे इन्वेस्ट करके फोन ले रहे, वी डोंट नीड योर रिकमेंडेशन और एड्स। तो ये चीज फिक्स होना चाहिए। तो ऐसी बहुत बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारा वेरिएबल्स होता है स्मार्टफोन बाइंग गाइड में। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप जनरली कौन कौन सी गलतियां करते थे एक स्मार्टफोन खरीदने से पहले। तो वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपका कोई भी डाउट है, सवाल या सुझाव है तो वो भी मुझे कमेंट्स करना जरूर। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर कर देना क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे को। और चैनल पे मैं आया हूं और चैनल मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर देना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए और आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देख सको, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए नया नया टेक्नोलॉजिकल वीडियो लेके आते रहता हूं। तो मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।